दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो जख्म देते हैं और दूसरे वो जो जख्मों को भरते हैं। झूठे और बनावटी रिश्तों में रहने से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले रहो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। दिल बुरा रखकर जुबान से मीठा बनना मुझे नहीं आता। जिसे इज्जत दी दिल से दी और जिसे छोड़ा दिल से छोड़ा। खुद को बहुत संभाल संभाल कर चलना आज के जमाने में, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। अगर कोई शख्स एक बार मेरी नजर से उतर गया, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किधर गया। जिंदगी में हमेशा तैयारी के साथ ही रहना, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। आपकी भलाई चाहने वाला पराया भी अपना है और आपका बुरा चाहने वाला अपना होकर भी पराया है। खुद को खुश रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कभी कभी इंसान सच में हार जाता है। खामोश रहते रहते, सफाई देते देते, रिश्ते निभाते निभाते और अपनों को मनाते मनाते, जिन रिश्तों में आपकी मौजूदगी का कोई मतलब ही ना हो, वहां से आपका मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। मुझे नफरत पसंद है, पर दिखावे की मोहब्बत बिल्कुल भी पसंद नहीं। जैसी भी गुजरती है जिंदगी गुजार लीजिए। अब ये कोई महफिल तो नहीं जो हर रोज मजा देगी। जिंदगी क्या है मत पूछो, संवर गई तो तकदीर और बिखर गई तो तमाशा है। जिंदगी में जो मिला है उसमें सुकून ढूंढना सीखो, क्योंकि जो मिला नहीं वो तो दर्द देता ही रहेगा। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है और कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब मैंने खुद आजमाया तो पता चला कि दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। वफा करने से मुकर गया है दिल, अब प्यार करने से डर गया है दिल। अब किसी सहारे की बात मत करना, क्योंकि झूठे दिलासों से अब भर गया है दिल। जो दिल को अच्छा लगता है उसी को दोस्त कहता हूँ मैं। मुनाफा देखकर रिश्तों की सियासत नहीं करता मैं। मैं नहीं जानता कि रिश्तों में बेवफाई क्यों मिलती है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जब लोगों का दिल भर जाता है तो लोग छोड़कर चले ही जाते हैं। मैं अंदर कुछ और बाहर कुछ और बन नहीं पाता हूँ, इसीलिए ही अक्सर अकेला हो जाता हूँ। दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया, तो सबने सोच लिया कि मुझे तकलीफ ही नहीं होती। जाने कब कब किस किस ने कैसे कैसे तरसाया है मुझे। तन्हाइयों की बात न पूछो, यहाँ तो महफिलों ने भी रुलाया है मुझे। अगर प्यार हो तो सच्चा होना चाहिए, टाइम पास करने के लिए तो हमारा फोन ही काफी है। मैंने अपनी सारी जिंदगी की कहानी इन शब्दों में उतारी है, आप तो सिर्फ सुनते हैं, मैंने तो सच में ऐसी जिंदगी गुजारी है। दिल अकेला था और गम हजारों थे, इस अकेले को हजारों ने मिलकर लूटा है। मैं ही कसूरवार हूँ मेरे इन हालातों का, बस ये कहकर मैंने सबके सर से सारे इल्जाम मिटा दिए। एक टीका बचपन में मोहब्बत की रोकथाम का भी लगाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज तो इसी बीमारी के हैं। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाना छोड़ दो, और जब कोई माने ही ना तो उसे मनाना छोड़ दो। और जिन रिश्तों में आपकी इज्जत और कदर ही ना हो तो उन रिश्तों को आप निभाना ही छोड़ दो। कुछ लोगों को भगवान हमारी जिंदगी से इसीलिए दूर कर देता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। रिश्ते निभाने की तलब हो तो वक्त मिल ही जाता है। ये बिजी रहना और मजबूर होना ये तो दिखावटी लोग ही करते हैं। मेरे साथ होने के लिए कोई शर्त नहीं है, तय तो तुम्हें करना है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी अहमियत कितनी है। स्वाद की लालच छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, और विवाद छोड़ दो तो रिश्तों को लाभ है, और अगर मतलबी और झूठे रिश्तों को छोड़ दो तो पूरी जिंदगी को लाभ है।
मुकदमा चलेगा आसमान में सब आशिकों पे एक दिन, जिसे देखो अपने महबूब को चांद बताता है। जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझकर बैठ जाते हैं, वो लोग हमें अपना वक्त समझकर गुजार देते हैं। लोग कहते हैं कि जिसे हद से ज्यादा प्यार करो वो आपके प्यार की कदर नहीं करता, लेकिन सच तो ये है कि जो प्यार की कदर करता है उससे कोई प्यार ही नहीं करता। जब वक्त ही खिलाफ हो जाता है तो इंसान अपना सब कुछ हार जाता है। तुमसे मिलने से पहले हम अकेले जरूर थे, लेकिन तुमसे मिलने के बाद हम तन्हा हो गए हैं। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी ही गहरी चोट मिलती है। सोचता था कि दर्द की दौलत से एक मैं ही माला माल हूं। जब गौर से जमाने को देखा तो हर कोई रईस निकला। सुना है किसी एक्सरे में भी नहीं आते वो जख्म जो हमारे अपने हमें दे जाते हैं। हम सपना कुछ और ही देखते हैं, लेकिन ये जिंदगी कुछ और ही दिखा देती है। बुरा वक्त तो एक दिन बदल ही जाता है, लेकिन बदले हुए लोग जिंदगी भर याद रहते हैं। अपनी जिंदगी भी उस चांद की तरह है जो खूबसूरत तो बहुत है लेकिन बिल्कुल अकेला है। ये जो जिंदगी की कहानी है, हर दिन एक नई परेशानी है। कुछ तो लोगों की मेहरबानी है और कुछ अपनी ही नादानी है। मैं ठीक नहीं हूं ये कहने के लिए कोई खास चाहिए होता है, वरना कोई पूछे कैसे हो, अच्छा हूं यही कहना पड़ता है। जब आपके लाख बार समझाने पर भी कोई ना समझे, लाख बार मनाने पर भी कोई नहीं माने, तो समझ जाना कि अब आपके बदलने का वक्त आ गया है। बहुत मतलबी है लोग यहाँ पर। पहले करीब आते हैं, फिर आदत बनाते हैं, और जब प्यार हो जाए तो छोड़कर चले जाते हैं। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता। अगर कोई तुम्हारे बिना जी सकता है तो उसे बता दो कि मरोगे तुम भी नहीं। अकेलापन क्या होता है ये कोई पूछे ताजमहल से, जिसे देखने के लिए तो पूरी दुनिया आती है लेकिन इसमें रहता कोई नहीं है। मेरी वफा का सबूत और क्या दूं तुझे, तेरी कश्ती में छेद था फिर भी हमने सफर से इनकार नहीं किया।